नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। पेंशन को लेकर अध्यापकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत अध्यापकों का कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके चलते गांधी आश्रम में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जो लगातार चलती रहेगी। यहाँ आज जो हम लोग की ये मीटिंग हुई है, इसमें इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जो हम लोग की लंबित मांगे हैं कि जैसे शिक्षा विभाग में सभी शिक्षकों को पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो हम अध्यापकों ने क्या अपराध किया है जिसकी हमें ये सजा दी जा रही है कि हम 62 साल सरकार की सेवा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई पेंशन का प्रावधान आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। और एक सांसद या विधायक जो चुनाव लड़ता है, महज 5 साल तक अगर वो सांसद रहता है, विधायक रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, तो उन्हें आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। और अगर कहीं वो सांसद के बाद दोबारा विधायक बन जाता है या कुछ और बन जाता है, तो एक नहीं उसे बल्कि दो दो तीन तीन पेंशनें हमेशा मिलती हैं। और इधर हम जब सरकार की 62 साल सेवा कर रहे हैं, तो हमें एक पेंशन देने के लिए सरकार को इतना सोचना पड़ता है। तो यही सब मांगे हैं, इतने सालों से चली आ रही हैं, सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, हमसे दोगला व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में होते हुए भी हमको उन शिक्षकों से अलग माना जाता है कि जो पहले से जो नियुक्तियां हैं उनसे हमको अध्यापकों को शुरू से ही अलग माना जाता रहा है। ये आज हम लोगों ने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है, इसी उद्देश्य को लेकर के चलाया है कि हमारी जो मांगे हैं, सरकार से अपेक्षा है कि उन पर जल्द से जल्द ध्यान दें, उनको पूरा करें, और हमें हमारे बुढ़ापे के लिए, हमारे बच्चों के लिए सिक्योरिटी दें, और हमें भी पेंशन का प्रावधान हमारे लिए बनाए। ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाया जा रहा है। इसी के तहत एक भोपाल में मीटिंग हुई थी प्रांतीय लेवल की, उसमें 1 सितंबर को ये घोषणा की गई थी कि अब NMOPS को मूवमेंट के तहत जो नई पेंशन स्कीम चल रही है, उसको भारत छोड़ो अभियान के तहत कि नई पेंशन स्कीम भारत छोड़ो अभियान चलाया जाएगा, वो 1 सितंबर से चालू किया गया। उसी के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हस्ताक्षर अभियान आज चल रहा है, इसको ब्लॉक और संकुल और छोटे छोटे जगहों पर भी ले जाएगा। इसमें सारे कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं जो कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, वो सभी कर्मचारी आ रहे हैं जिन्हें नई पेंशन मिल रही है। जो नई पेंशन मिल रही है उसका भविष्य आप मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से आप जान सकते हैं कि 10% हमारा पैसा कटता है सैलरी का और 10% गवर्नमेंट मिलाती है, लेकिन उसमें इतनी पाबंदियां हैं कि हम 5 साल में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी हम उसका 25% ही निकाल पाएंगे। अंत में जाके जब हम रिटायर्ड होंगे तो उसका जो एक फ़ंड होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कंपनी को, उस कंपनी का जो रिटर्न होगा वो हमें मिलेगा। तो अगर आज एक एवरेज हम माने कि 40,000 मान ली हमारी पेंशन, मतलब तनख्वाह मिल रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन के तहत ही मिलना चाहिए, हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए ताकि हमारा भविष्य, हमारा जो बुढ़ापा आने वाला है वो हमारा सुरक्षित हो और इससे हम दूसरे बिचौलियों के हाथ में। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।